सरकार बेरोजगारी की दर कम करने के लिए और युवाओं को रोजगार के साथ कृषि क्षेत्र में जागरूक करने के लिए जनपद में वन स्टॉप सेंटर खोलने की कवायद में है। सभी जिलों के लिए वन स्टॉप सेंटर की पहल की जा रही है। ऐसे में अमेठी जनपद में भी वन स्टॉप सेंटर के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जिले में स्नातक परस्नातक कृषि क्षेत्र से करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें अनुदान देकर वन स्टॉप सेंटर भी खोलवाए जाएंगे, जिससे किसानों को एक छत के नीचे उर्वरक व बीज के साथ तकनीकी खेती की जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि जनपद में करीब 14 आवेदन का लक्ष्य है और जिसमें से 7 आवेदन अब तक विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। ये जो वन स्टॉप एग्रीकल्चर शॉपिंग सेंटर के लिए जो है भारत सरकार की स्कीम है, इसमें जो बेरोजगार हैं कृषि स्नातक परा स्नातक, उनको रोजगार देने के लिए सरकार की मंशा है कि उनको बीज खाद और दवा इनका लाइसेंस देकर इनको जो है रोजगार से जोड़ा जाए। ये मुख्य उद्देश्य है सरकार का कि जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसको कैसे कम करें। इस योजना में जनपद में 14 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें अभी हमें 7 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। आखिरी तारीख इसकी 22 फरवरी है और तब तक आशा है कि काफ़ी फार्म और आवेदन प्राप्त हो जाएंगे। इसमें जो सुविधा है सरकार की तरफ से, वो बैंक से लोन जो मिलेगा 5 लाख तक का, उस पर 60,000 रुपये तक ब्याज पर छूट देगी सरकार। वो परिसर जो जहाँ पर वो दुकान खोलेगा उसका 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही जो खाद बीज और दवा का जो लाइसेंस है उस पर 5,250 रुपये जो खर्च होगा उसका भी वहन विभाग करेगा। इसलिए इस योजना से अधिक जो हमारे कृषि स्नातक हैं वो लाभान्वित हो सके, यही एक सरकार की मंशा है। इससे कितना फायदा होगा सर, खास करके युवाओं को? इसे चूंकि ये कृषि आधारित व्यापार वो है, तो इससे चूंकि हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो उसमें पारंगत है और कृषि के क्षेत्र में जो हमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, जो कि हमारे किसानों को तकनीक भी उपलब्ध करा सकें और खाद बीज दवा कितनी उपयोगी है, कितना उसमें खेतों में उसको डाला जाए और इससे एक दक्षतापूर्ण प्रयोग जो बताएंगे उससे किसानों को अधिक से अधिक फायदा होगा, साथ में हमारे जो बेरोजगारी है वो भी कम होगी। ठीक है, थैंक यू। नाम उदयचंद पांडे है, हम विकासखंड जगदीशपुर से आ रहे हैं। हम एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। अगर इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इससे हमें बहुत बहुत फायदा होगा। इसमें हमें सब्सिडी मिलती है और सरकार की तरफ से अच्छी पहल है एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग सर, और हम इस ट्रेनिंग में अगर हमारे सर्टिफिकेट मिलेगा तो हमको लाइसेंस बन जाएगा हमारा आसानी तरीके से और हमें इससे बहुत लाभ होगा। अच्छा होगा आपको अगर सर ये इसमें ट्रेनिंग हो जाती है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जब हमारे पास लाइसेंस हो जाएगा हम अपनी बिजनेस कर लेंगे, तो इससे हमें बहुत फायदा होगा। फिर हमारी बेरोजगारी से एग्रीकल्चर से जो डिपार्टमेंट है इसी दुकान के ही माध्यम से किया जाता है सर, इससे लाइसेंस प्राप्त कर किया जाता है। अच्छी पहल है ये, बहुत बढ़िया है। ठीक, थैंक यू।